हे गाइस, आज का वीडियो होने वाला है कि हम बैटलमेंट फिलिंग कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी का एक फिलिंग स्टिच है जिसे आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी सजेशन है इस वीडियो को लेकर प्लीज कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं, प्लीज गाइस वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, बैटलमेंट फिलिंग स्टार्ट करने के लिए मैंने इस तरह का एक पैटर्न बना लिया है और 3 स्ट्रैंड्स थ्रेड निडल में ले लिया है। फ्रेंड्स, पहले हम एक तरफ के सारे स्ट्रेट स्टिचेस कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब हमने एक तरफ के सारे स्ट्रेट स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं तो अब हम ये वाले स्ट्रेट स्टिचेस कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, जब हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रेट स्टिचेस से, इसके बाद मैंने एक और कलर का थ्रेड ले लिया है। ये भी 3 स्ट्रैंड्स ही है। इसे फ्रेंड्स हमें बिल्कुल सेम जैसे हमने ये वाले स्टिचेस लिए हैं वैसे ही स्टिचेस लेने हैं। इसमें हमें इससे हल्का सा ऊपर स्टिचेस लेने हैं। देखिए, इस तरह से फ्रेंड्स मैं ये सारे हॉरिजॉन्टल स्टिचेस कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि वर्टिकल स्टिच कैसे करने हैं। फ्रेंड्स, अब इस दूसरे थ्रेड से जिससे हमने ये हॉरिजॉन्टल स्टिचेस इसके ऊपर ले लिए हैं, अब वर्टिकल स्टिचेस हम पहले वाले के राइट हैंड साइड पे लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, जब हमने दो कलर के ग्रिड्स कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद मैंने ये तीसरा थ्रेड लिया है। इसे भी सेम पहले मैं इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल स्टिचेस बनाऊंगी। फ्रेंड्स, जब मैंने इसे 3 कलर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टिचेस कर ली हैं, इसके बाद मैंने फोर्थ कलर और लिया। ये भी 3 स्ट्रैंड्स है। सेम वे मैं सबसे पहले इसमें हॉरिजॉन्टल स्टिचेस करूंगी इसके ऊपर और फिर वर्टिकल स्टिचेस करूंगी और उसके बाद इसे कंप्लीट करना सिखाती हूँ। फ्रेंड्स, फोर्थ कलर से ये ग्रिड कंप्लीट करने के बाद आप इसमें और कलर भी ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी आप चाहें। जब तक कि ये फिल नहीं हो रहा है आपका, आप और कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 4 पर ही स्टॉप कर दिया है। अब ये जो फोर्थ कलर था वही वाला थ्रेड मैंने लिया है 3 स्ट्रैंड्स। अब हमें इसे कंप्लीट करने के लिए कुछ टाइंग स्टिचेस लगाने हैं, वो फ्रेंड्स हमें लास्ट वाले ग्रिड पर ही लगाने। देखिए, ये जो हमारा लास्ट वाला था हमें इसी पर टाइंग स्टिचेस लगाने हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा बैटलमेंट फिलिंग कंप्लीट हो चुका है। इस स्टिच का यूज़ आप किसी भी मोटिफ की फिलिंग में कर सकते हैं।